हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। जैसे कि हम लोग क्लास प्लस वन का थर्ड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर में अब तक हम लोगों ने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन डिस्कस कर लिए हैं। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था मैकेनिक्स क्या होता है और उसके सब पार्ट्स डिस्कस किए थे। इज इट ओके? आज हम लोग इस चैप्टर की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करेंगे। मोशन, वी आर हैविंग टू टर्म्स, मोशन एंड रेस्ट। बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन? दैट इज मूवमेंट। इन आवर सराउंडिंग सो मेनी थिंग्स दे आर मूविंग, लाइक वर्ड्स आर फ्लाइंग, आई एम मूविंग इन द क्लास, देन ऑटोमोबाइल्स दे आर मूविंग ऑन ए रोड। इट्स मीन्स दे आर ऑल अंडर द कैटेगरी ऑफ मोशन। बट बेसिकली अकॉर्डिंग टू फिजिक्स व्हाट इज ए मोशन? व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बच्चे स्कूल को आई एम स्टॉप हियर, टाइम इज गोइंग ऑन, टाइम कैन नेवर बी स्टॉप। सो ऑब्जेक्ट जब भी अपनी पोजिशन चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। वो ऑब्जेक्ट किसमें होगा? मोशन में होगा। इज इट ओके? नाउ सेकेंड टर्म है हमारे पास रेस्ट। तो रेस्ट का मीनिंग क्या होता है? कि ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेशनरी पर है। तो इसमें क्या होगा? सो मेनी एग्जाम्पल्स आर इन आर सराउंडिंग, आर हाउसेज आर एट रेस्ट, ट्रीज आर एट रेस्ट। ठीक है बच्चे, स्पोज कर लो द कार इज इन द गैरेज, तो दैट इज ऑल्सो इन रेस्ट। दीज आर द फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट। What is the meaning of the rest in physics? When object do not change its position with respect to time, then that object is known as at rest. Is it okay? Now next hamara chhota sa point hai, motion and रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, और इसको आप क्या बोल सकते हो? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन बच्चे बेसिकली क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मे बी अपीयर टू रेस्ट फॉर वन पर्सन और मूविंग फॉर अदर, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज ए रिलेटिव मोशन। सपोज कर लो मैं किसी एक के लिए आई एम एट रेस्ट, कोई और मुझे ऑब्जर्व करेगा तो कैसे? सपोज कर लो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को, एक ट्रेन है बच्चे, ट्रेन मूव कर रही है, तो ट्रेन में जो मेरे साथ मेरा फॉलो पैसेंजर होगा उसको मैं, उसके विद रिस्पेक्ट टू मेरी पोजिशन क्या होगी? रेस्ट पर। अगर कोई और पर्सन मुझे बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है तो वट इज माई पोजिशन? माई पोजिशन इज इन मोशन। So this type of motion is known as a relative motion. It means motion and rest are relative terms. Suppose कर लो, one more example I will give. If I am on the earth, तो हमारे जो सभी के घर हैं वो क्या है? At rest. ठीक है? अगर someone observing our houses out from the surface of earth, then तो what about the our houses? Our houses are in motion. अगर मैं अर्थ पर अपने house को observe कर रही हूँ, rest पर है। अगर कोई बाहर से मीन्स अर्थ की सरफेस से बाहर हमारे हाउस को ऑब्जर्व कर रहा है, दैट इज लिटिल बिट इन मोशन। व्हाई? बिकॉज अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। सो फ्रॉम दीज टू एग्जांपल्स व्हाट वी नो, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड, आई हैव गिवन टू एग्जांपल। अगर आपको राइट इन मोशन की डिफाइन आ जाए तो आप कैसे लिखोगे? एन ऑब्जेक्ट मे बी एट स्टेशनरी फॉर वन पर्सन और मूविंग फॉर अदर, दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज ए रिलेटिव मोशन। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइक ए पॉइंट, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कब आपको नजर आएगा? व्हेन द डिस्टेंस इज फार फ्रॉम अस। अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, सपोज बोले एक स्ट्रेट रोड है बच्चे, वहां पर बहुत दूर तक ट्रेन चली गई, ठीक है, इतनी दूर चलेगी कि आई जस्ट सी दैट ट्रेन एज ए पॉइंट, तो उस पॉइंट साइज को हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज एक्ट एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। इज इट ओके बच्चे? सो दिस इज अबाउट पॉइंट ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट। नाउ हमारे पास मोशन कितने टाइप का होता है बच्चे, मोशन की अगर आप लोगों ने डायमेंशंस के अकॉर्डिंग मोशन को कैटेगराइज करना है तो हमारे पास थ्री डायमेंशन है। कितने डायमेंशन है? वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन। व्हाट अबाउट मोशन इन वन डायमेंशन? मोशन इन वन डायमेंशन को डी लिख रही हूं मैं, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, कितने एक्सिस होते हैं हमारे पास? तीन। दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगा तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होगा? वन डायमेंशनल। एग्जाम्पल, कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, रोड सॉरी, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन ए वन डायमेंशन। सेकेंड, मोशन इन टू डायमेंशन, टू डी, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस और मूविंग इन प्लेन, ठीक है। तो दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक्स और वाई दोनों में मूव करेगा तो उसका मोशन क्या होगा? टू डायमेंशन। तो हम क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए प्लेन। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज ए मोशन इन टू डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल, एंट मूविंग ऑन ए फ्लोर, जब भी एंट मूव करेगी फ्लोर के ऊपर वो एक्स एक्सिस में भी मूव करेगी और वाई एक्सिस में भी मूव करेगी, तो वो एंट का मोशन क्या होगा? टू डायमेंशन। नेक्स्ट है मोशन इन थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशन में ऑब्जेक्ट मूविंग इन एक्स एक्सिस, वाई एंड जेड एक्सिस, इट्स मीन्स ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्पेस। तो थ्री डायमेंशन क्या होगा बच्चे आपका? दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इज इट ओके? एग्जाम्पल, काइट फ्लाइंग, काइट फ्लाइंग इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थ्री डी मोशन। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। जब वन डायमेंशन होगा एक्स एक्सिस में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, टू डायमेंशन में होगा एक्स और वाई में मूव करेगा और प्लेन में मूव करेगा, जब थ्री डायमेंशन होगा स्पेस में मूव करेगा और एक्सिस कौन से होंगे? एक्स, वाई एंड जेड। और इसकी एग्जाम्पल है काइट फ्लाइंग। जब भी हम काइट फ्लाइंग करते हैं तो वो स्पेस में मूव करता है, तो उसका मोशन क्या होता है? थ्री डायमेंशन। रेस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।